हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल इन द टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन में ईमेल वेरीफाई कैसे करें। दोस्तों, आप जब भी ड्रीम इलेवन में अगर ईमेल वेरीफाई कर रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही होगी, दिस ईमेल इज ऑलरेडी विथ एनी अदर अकाउंट। तो दोस्तों, आप जब भी ड्रीम इलेवन में यहाँ पर ईमेल वेरीफाई करने जा रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करना पड़ रही होगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आपको रिजोल्व करना है इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, आप जब भी अपने ड्रीम इलेवन के अंदर अगर ईमेल वेरीफाई कर रहे होंगे तो आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा होगा, इससे भी आप काफी परेशान हो रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप यहाँ पर सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर रिजोल्व कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपने ड्रीम इलेवन को यहाँ पर ओपन करना है। जैसे आप अपने ड्रीम इलेवन को ओपन करोगे तो आपके सामने इसका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर थ्री लाइंस पर ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको माई बैलेंस पर यहाँ पर क्लिक करना है। माई बैलेंस पर क्लिक करने के बाद में आपको वेरीफाई टू विड्रॉल पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई टू विड्रॉल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ईमेल दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर ईमेल जैसे भी दर्ज कर रहे होंगे, आपकी जैसे हमने यहाँ पर हमारी ईमेल अकाउंट को ईमेल को यहाँ पर दर्ज किया, दर्ज करने के बाद में गेट गेट ओटीपी पर क्लिक किया, उसके बाद में हमें यहाँ पर एक पॉपअप यहाँ पर दिखाई देता है, दिस ईमेल इज ऑलरेडी विथ एन अदर अकाउंट। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये प्रॉब्लम आपको तब आती है जब आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऑलरेडी वेरीफाई होता है दूसरे ड्रीम इलेवन अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों, आपको इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना है जो ये आपके सामने यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको वही ड्रीम इलेवन में यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करनी है जो आपके मोबाइल में यहाँ पर लॉगिन। तो दोस्तों, आपको कैसे चेक करनी है कि आपके मोबाइल में यहाँ पर कौन सी ईमेल आईडी लॉगिन है? तो आपको अपने आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आना है। जैसे आप मोबाइल के होम स्क्रीन पर आओगे तो आपको यहाँ पर जीमेल का एक ऐप्स आपको दिखाई देगा। दोस्तों, आपको पता है कि जीमेल का ऐप सभी के मोबाइल में यहाँ पर होता है, तो इसको आपको यहाँ पर ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन आपकी ईमेल दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपको यही ईमेल यहाँ पर दर्ज करनी होगी आपके ड्रीम इलेवन में। आप इस ईमेल को देख सकते हो, इस ईमेल को आपको सही से देखना है। सही से देखने के बाद में आपको अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट में आना है। ड्रीम इलेवन अकाउंट में आने के बाद में आपको वह जीमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करनी है। तो दोस्तों, मैं उस जीमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। दर्ज करने के बाद मैं गेट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पर जीमेल अकाउंट पर एक ओटीपी जाएगा। तो दोस्तों, ये ओटीपी आपको कहाँ मिलेगा? दोस्तों, आपको ओटीपी वहाँ मिलेगा जहाँ पर आपका जीमेल का एप्स है। तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद में आपको जीमेल अकाउंट यहाँ पर ओपन करना है। जैसे आप जीमेल अकाउंट यहाँ पर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रमोशन में यहाँ पर ऊपर एक मेल दिखाई देगा। मेल में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम इलेवन फैंटेस्टिक स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में एक आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर जीमेल अकाउंट पर ओटीपी आ चुका है। दोस्तों, आप ओटीपी देख सकते हो, यहाँ पर मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है। अब मैं इस ओटीपी को यहाँ पर मेरे ड्रीम इलेवन अकाउंट में यहाँ पर वेरीफाई करूंगा। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, यहाँ पर 722 788। तो जैसे मैं यहाँ पर 722 और 788 दर्ज करता हूँ, दोस्तों मैंने यहाँ पर दर्ज कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़े व्हाइट कलर में अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेरा वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया कि मेरा यहाँ पर ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है ड्रीम इलेवन के अंदर। मैं आपको मेरे जीमेल अकाउंट में भी यहाँ पर बता दूं कि मुझे यहाँ पर एक मेल रिसीव हुआ होगा जब भी मैंने यहाँ पर ईमेल को वेरीफाई किया होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पर ईमेल दिखाई देगा प्रमोशन के अंदर में। जैसे प्रमोशन में यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर से मुझे रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर कुछ देर बाद में यहाँ पर ईमेल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे अभी तो यहाँ पर ईमेल प्राप्त नहीं हुआ, आपको यहाँ पर वेरीफाई का भी ईमेल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर फिर भी आपको अगर ड्रीम इलेवन में ईमेल वेरीफाई करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ बताया कि आप ड्रीम इलेवन में कैसे ईमेल एड्रेस को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।